हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण पटवा और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑल अबाउट में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DRDO GTRE अप्रेंटिसशिप 2021 योग्यता ITI डिप्लोमा डिग्री, नो फीस, ऑल इंडिया अप्लाई, कुल पोस्ट 150, स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक, मोबाइल और कंप्यूटर से कैसे भर पाएंगे, यह मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन के जरिए जो है कुछ बेसिक डिटेल्स बताने वाला हूं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप किस तरह आवेदन कर पाएंगे यह मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पे है गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट GTRE की तरफ से 5 जनवरी 2021 को नोटिफिकेशन आउट किया गया था, जिसमें आवेदन करने का लिंक जो है आज 7 तारीख को एक्टिवेट हुआ है। यहाँ पे टेबल 1 ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनी, यहाँ पे जो है किस किस ब्रांच के लिए टोटल वैकेंसीज कितना है, एज लिमिट क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है। साथ ही डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनिंग वालों का यहाँ पे ब्रांच दिया हुआ है, वैकेंसीज दिया हुआ है, एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, यह भी दिया हुआ है। टेबल 3 में ITI अप्रेंटिस ट्रेनिंग मशीनिस्ट, फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, शीट मेटल वर्कर, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, यहां पे वैकेंसीज टोटल दिया हुआ है। ITI वालों के लिए टोटल 40 सीट है। साथ ही यहां पे एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, यह आप लोग अच्छी तरह से देख लें। यहाँ पर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, जो BE BTech डिप्लोमा कैंडिडेट हैं वे पहले अपना रजिस्ट्रेशन mhrdnats.government.in के साइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, और जो ITI कैंडिडेट हैं वे अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन apprenticeshipindia.org के साइट पर कर लें। यहां पे काइंडली सी रिस्पेक्टिव वेबसाइट फॉर रजिस्ट्रेशन, द रजिस्ट्रेशन नंबर इज टू बी अपलोडेड विल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहां से जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्राप्त होता है वह ऑनलाइन आवेदन करने के समय ज़रूरत पड़ेगा, तो आप लोग पहले रजिस्ट्रेशन कर लें। जो ITI होल्डर हैं और अभी तक apprenticeshipindia.org के साइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा किस तरह आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आप लोग वहां से देखकर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें। साथ ही यहां पे BE BTech डिप्लोमा वाले यहां पे ध्यान दें, कैंडिडेट हु है पासेड द क्वालिफाइंग एग्जाम अर्लियर देन 2018 और नॉट एलिजिबल, जो हाईलाइटेड है उसे आप लोग भली भांति इस PDF को देख लीजिएगा। यह नोटिफिकेशन जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड करके अच्छी तरह से इस नोटिफिकेशन को देख लें। साथ ही जो डिप्लोमा होल्डर हैं, कैंडिडेट मोस्ट हैव कंप्लीटेड ITI फ्रॉम NCVT और SCVT, बहुत अच्छी है कि यहाँ पे SCVT वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो रेगुलर कैंडिडेट हैं वही यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही जो पहले से अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं या वर्तमान में किसी संस्थान से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या 1 ईयर एक्सपीरियंस जिनके पास है वे यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे TA DA नहीं प्रोवाइड किया जाएगा इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या ज्वाइनिंग के समय, यहाँ पे साफ उल्लेख किया गया है। साथ ही यहाँ पे जो है Part 2 में स्टाइपेंड का भाग दिया हुआ है, यहाँ पे BE BTech वाले लोग को 9,000 पर मंथ, डिप्लोमा वाले लोग को 8,000 पर मंथ और ITI होल्डर वाले लोग को 7,000 पर मंथ स्टाइपेंड दे होगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट यहाँ पे किस तरह जो है आपको ले जाना है उसका उल्लेख यहाँ पे किया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग BE BTech डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनिंग ITI अप्रेंटिस ट्रेनिंग डिपेंडेंट ओपन द वैकेंसीज अवेलेबल इन द वेरियस डिसिप्लिन। यहाँ पे जो है आपका कैंडिडेट विल बी क्रिएट शॉर्ट डिस्टेंस टू द बेसिक ऑफ मार्क्स, आपका जो है ITI के प्रतिशत और BTech BE वाले लोग, डिप्लोमा होल्डर वाले लोग जो आपका मेरिट बेस पे सिलेक्शन यहाँ पे होना है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का एग्जाम या इंटरव्यू नहीं होगा। साथ ही यहाँ पे डिटेल्स ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी पब्लिश्ड इन DRDO वेबसाइट,
कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक रेगुलरली ऑन द वेबसाइट फॉर अपडेट। यहाँ पे जो भी है शॉर्ट लिस्टेड जो जारी किया जाएगा वह DRDO की वेबसाइट पे जारी किया जाएगा, तो रेगुलरली आप लोग साइट का विजिट करते रहें। यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक दिया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट, किस किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी वह भी यहाँ पे उल्लेख किया गया है, इसको आप लोग अच्छी तरह से देख लें। यहाँ पे जब रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा तो उसका भी साइट दिया हुआ है अंडर वर्ड्स न्यू सेक्शन, यहाँ पे भी दिया हुआ है कि किस भाग में किस टैब में जो है आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे। इम्पोर्टेंट डेट में जो है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 29 जनवरी 2021 है, पब्लिशिंग ऑफ फर्स्ट लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड 12 फरवरी 2021 को फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट जारी किया जाएगा। इम्पोर्टेंट डेट का आप लोग भली भांति अध्ययन कर लें। तो इस तरह आवेदन करने से पहले आप लोग इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से देख लें, उसके बाद ही आप लोग जो है आवेदन करें। साथ ही मैं आपको आवेदन किस प्रकार करना है यह मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों यह है DRDO का ऑफिशियल वेबसाइट, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी नॉलेजमेंट जानकारी दी जाती है वह आपको जल्द प्राप्त होती रहे। तो इस तरह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरह रजिस्ट्रेशन और अप्लाई करना है यह मैं आगे बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। दोस्तों यह है अप्लाई करने का लिंक, यह लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दो रेडियो बटन दिखाई दे रहे हैं जिसमें एक है लॉगिन और दूसरा है रजिस्टर। तो इसमें जो फर्स्ट टाइम आवेदन करने वाले हैं वे रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद डेट ऑफ बर्थ, 10th का रोल नंबर, साथ ही पासिंग ईयर 10th का, और उसके बाद नेम, वैध ईमेल आईडी जो आप रेगुलरली यूज करते हैं, मोबाइल नंबर जो आप रेगुलरली यूज करते हैं, पासवर्ड यहां पे आपको बनाना है, कंफर्म पासवर्ड ऐड करना है, उसके बाद यहां पे कैप्चर कोड डालने के बाद रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है। दोस्तों यहां पे पासवर्ड बनाने के लिए आपको 1 कैपिटल लेटर, 1 स्मॉल लेटर, 1 स्पेशल कैरेक्टर एवं डिजिट का उपयोग करना है। इस तरह आपको अपना डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करना है। ईयर सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करना है। मंथ सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना होता है। साथ ही यहाँ पे जो है 10वीं का रोल नंबर टाइप करना होता है, उसके बाद पासिंग ईयर 10th का, कौन से ईयर में आप पासिंग किए थे उसका यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको नाम टाइप करना है, ईमेल आईडी जो रेगुलरली यूज करते हैं, मोबाइल नंबर जो रेगुलरली यूज करते हैं, पासवर्ड यहाँ पे, और कैप्चर कोड। पासवर्ड जो है आपको इस तरह का बनाना है, 1 कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट का। उसके बाद कैप्चर कोड को एंटर करना है। एंटर करने के बाद जो है आपको रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है। रजिस्टर बटन पे क्लिक करने के बाद जो है आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। एंटर द OTP रिसीव्ड टू वेरीफाई योर अकाउंट। यहाँ पे OTP आपके मोबाइल नंबर पे 4 डिजिट का जाता है, उसको आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। यदि किसी कारणवश OTP नहीं जाता है तो रिसेंट OTP पे क्लिक करना है, और आपको अपने मोबाइल को है नेटवर्क कवरेज एरिया में रखना है, इसमें वेरीफाई बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज डिस्प्ले करेगा। उसके बाद जो है आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है।
लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद आपको जो है जो मोबाइल नंबर आप अभी एंटर किए थे या ईमेल आईडी और जो पासवर्ड आप बनाए हैं उस पासवर्ड को एंटर करना है। उसके बाद इस कैप्चर कोड को एंटर करना है। उसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है आप यहां देख पाएंगे राइट हैंड साइड में कि आपका नाम दिखाई देगा, साथ ही यहां पे प्रोफाइल चेंज पासवर्ड और लॉगआउट का ऑप्शन आएगा। आपको जो है स्क्रॉल करना है, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट यहां पे शो करेगा। उसके बाद जो है आप यहां पे देख पाएंगे बहुत पुराना एक ओल्ड यहां पे दिखाई दे रहा है, एक्शन में क्लोज दिखाई दे रहा है। इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद नीचे आना है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में गैस टरबाइन रिसर्च GTRE का यहाँ पे दिया हुआ है, ग्रेजुएट डिप्लोमा ITI अप्रेंटिस ट्रेनिंग, पब्लिश डेट और लास्ट डेट ऑफ अप्लाई यहाँ पे शो कर रहा है। एडवर्टाइजमेंट लिंक यहाँ पे अपना एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। एक्शन बटन पे अप्लाई दिया हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको अप्रेंटिसशिप टाइप इस तरह आपको अप्रेंटिसशिप टाइप में ग्रेजुएट अप्रेंटिस वाले ग्रेजुएट अप्रेंटिस को फिल करेंगे, ITI अप्रेंटिस वाले ITI अप्रेंटिस, डिप्लोमा वाले डिप्लोमा। यहाँ पे तीनों ऑप्शन दिखाई देगा, उसमें से आप अपने ब्रांच और ट्रेड के हिसाब से चयन कर लें। यहाँ पे ITI अप्रेंटिसशिप, उसके बाद यहाँ पे जो है सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर, आप किस स्टेट से हैं उसका चयन करना है। उसके बाद एप्लीकेंट का नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, कैलेंडर फॉर्मेट में एंटर करना है। साथ ही यहां पे एज काउंट होकर दिखाई देगा, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, आधार कार्ड नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर इन MHRD भाई NCVT पोर्टल। यहाँ पे जो लोग यदि आप यहाँ पे ग्रेजुएट अप्रेंटिस का चयन करेंगे आप, तो आपको जो है यहाँ पे अलग मिलेगा। यहाँ पे जो है MHRD का रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा। यहाँ पे ITI सिलेक्शन किए हैं इसलिए यहाँ पे apprenticeshipindia.org के रजिस्ट्रेशन नंबर जो प्राप्त होता है उसको यहाँ पे एंटर करना है। इसलिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। जो ITI अप्रेंटिसशिप होल्डर हैं, अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, वे पहले apprenticeshipindia.org के साइट पर रजिस्ट्रेशन कर लें। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना अनिवार्य है। उसके बाद आपको फिजिकल हैंडीकेप्ड है तो यस या नो पे क्लिक करना है। माइनॉरिटी हैं तो यस या नो पे क्लिक करें। साथ ही यहाँ पे आपको जो आधार कार्ड होता है उसमें जो एड्रेस दिया होता है उस एड्रेस को यहाँ पे फिल करना है। प्रेजेंट एड्रेस भी सेम है तो यहाँ चेक बॉक्स को एक्टिव कर लेना है। उसके बाद स्क्रॉल करने के बाद नीचे आना है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंटर करना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे एडुकेशन भाग दिखाई देगा, जिसमें आपको 10वीं ITI, 12वीं डिप्लोमा, BTech, सब्जेक्ट में आपका जो सब्जेक्ट है 10th ITI, 12th डिप्लोमा उसका चयन करना है। यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड, पासिंग ईयर, उसके बाद डिवीज़न, कौन सा डिवीज़न है, मैक्सिमम मार्क्स, मार्क्स अपडेंट, प्रतिशत कितना है उसका आपको यहाँ पे फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे ऐड मत कीजिएगा। पीरियड ऑफ जो सर्विस दिया हुआ है एक्सपीरियंस के लिए, इसको ऐड नहीं कीजिएगा, इसको रिक्त छोड़ देना है, ये अनिवार्य नहीं है। साथ ही यहाँ पे हैव यू हैव बीन, यहाँ पे यस नो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो है अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे ID प्रूफ, आधार, वोटर ID, पैन कार्ड, ETC डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास 10वीं का मार्कशीट, 10वीं का सर्टिफिकेट, यहाँ पे जो 10वीं का मार्कशीट है और 10वीं का सर्टिफिकेट है इसमें आप 10th का ही दोनों में अपलोड कर देना है। साथ ही कैटेगरी प्रूफ सर्टिफिकेट,
जो STSC PWD वाले हैं उनको यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, साथ ही डिग्री सर्टिफिकेट फाइनल प्रोविजनल उसका यहाँ पे अपलोड करना है, PWD सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड जो आपका है उसको एंटर कर यहाँ पे अपलोड करना है, एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होगा तो उसको आपको यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है ओनली PDF, JPG, JPEG अलाउड फाइल साइज 500 KB का होना चाहिए, लेस देन 500 KB का होना चाहिए। साथ ही मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल के माध्यम से किस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन कर पाएंगे उसका भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से देख पाएंगे। उसके बाद आपको जो है यहां पे डिक्लेरेशन दिया हुआ है, यहां पे आपको अपलोड सिग्नेचर करके सेव बटन पे क्लिक करना है। टॉप में आपको जो है यहाँ पे अपना फोटोग्राफ, रिसेंट फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करना है। सारे डेटा आपको एक बार केयरफुली चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको जो है सेव बटन पे क्लिक करना है। दोस्तों सेव बटन पे क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको जो है फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। एक बार अपने डेटा को अच्छी तरह से चेक कर लें, चेक करने के बाद जो है फाइनल सबमिट पे क्लिक करें। उसके बाद जो है एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली का एक मैसेज डिस्प्ले करेगा। इसमें आपको जो है नीचे स्क्रॉल करना है, फिर से फाइनल सबमिट पे क्लिक कर लें। उसके बाद जो है एग्जिट बटन पे क्लिक करना है। एग्जिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको जो है ऊपर में स्क्रॉल करके आना है। उसके बाद आपको जो है ओपन वैकेंसीज पे क्लिक करना है। ओपन वैकेंसीज पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो यहाँ पे व्यू एडवर्टाइजमेंट और अप्लाई एक्शन में अप्लाई के ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे आपको लॉक और व्यू एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है। आपको जो है व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे जो है आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो चुका है, आप अपना फॉर्म यहाँ पे देख पाएंगे, तो इसका जो है प्रिंट आउट आप अपने पास रख लें। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी फॉर्म आप लोग ऑनलाइन भरते हैं सारे फॉर्म के सारे फील्ड को जो है आप लोग कैपिटल लेटर में भरें, और जो अभी मैं यहाँ पे नॉलेज दिया हूँ ये सारा नॉलेज की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार का यदि दिक्कत हो तो कमेंट सेशन में कमेंट करेंगे, मैं आपका हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर हूँ। और साथ ही दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। जो लोग इस फॉर्म को मोबाइल के माध्यम से भरना चाहते हैं वे अपने मोबाइल के गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लें। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद राइट हैंड साइड के टॉप में इस प्रकार 3 डॉट बटन दिखाई देता है, उस पर आपको क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद आपको जो है डेस्कटॉप साइट का एक सेटिंग दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करके डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद आप आसानी से फॉर्म को मोबाइल के माध्यम से भी भर पाएंगे। साथ ही यहां आवेदन करने के लिए जो है आपको किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क दे नहीं है, आप लोग स्वयं घर बैठे अपने माध्यम से जो है मोबाइल से ही कर पाएंगे। किसी भी शॉप में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी शुल्क नहीं देना है, स्वयं अपने से करना है, आत्मनिर्भर बनना है, स्वयं से सभी फॉर्म भरना है। थैंक यू।